नरेंद्र मोदी को गुजरात जीतने से पहले अब अपना गढ़ जीतने के लिए जोर लगाना होगा। कांग्रेस ने उनकी पसंदीदा सीट मणिनगर से आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट को मैदान में उतार दिया है। संजीव भट्ट वही अफसर हैं जिन्होंने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर तीखे सवाल उठाए थे। मोदी मणिनगर से तीसरी बार मैदान में है लेकिन कांग्रेस ने उनके सामने भट्ट परीक्षा का पर्चा रख दिया है। मोदी के मुकाबले महिला शक्ति, मणिनगर में महामुकाबले का ऐलान। गुजरात का सबसे बड़ा गदर, ये मणिनगर है, देश का पहला योजनाबद्ध शहर। उधार के उम्मीदवार में कांग्रेस को अपने उद्धार का रास्ता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उतारने के लिए अंदर का कोई आदमी नजर ना आया तो उसने आईपीएस संजीव भट्ट की लड़ाई और संघर्ष को राजनीतिक मुनाफे में तौलने का बाट बना दिया। उनकी पत्नी श्वेता भट्ट अब मणिनगर से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। श्वेता जी, ये बताइए क्यों आपने मणिनगर से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी ही यहाँ से लड़ रहे हैं। संजीव भट्ट की पत्नी के तौर पर श्वेता भट्ट ने सत्ता और नौकरशाही की सीधी टकराहटें देखी हैं। इसीलिए अब वो सीधी टक्कर के लिए उतरी है, वो भी सूबे की सियासत के मुख्तार से। मैंने कब का तय करके रखा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ूंगी। वो जहाँ से भी लड़ते मैं वहीं से लड़ती। वो मणिनगर से लड़ रहे हैं, मैं मणिनगर से लड़ रही हूँ। पिछले चुनाव में मोदी ने मणिनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार को 75,000 से ज्यादा वोटों से धूल चटाई थी। उस मणिनगर से श्वेता गुजरात में लोकतंत्र की लाज बचाने के लिए चुनाव के चक्रव्यूह में मोदी को फंसाने उतरी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती है, डेमोक्रेसी दूर हो जाती है, डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, लोगों की स्वतंत्रता नहीं रहती है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ गुजरात का प्रॉब्लम नहीं है, मणिनगर का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे ख्याल से पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। सो आई एम फाइटिंग अगेंस्ट हिम टू री एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन गुजरात। मणिनगर में मोदी को मात देना ये कितना मुश्किल है ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने मणिनगर से आज कांग्रेस की टिकट पर अपना पर्चा भरा और कहा कि लोकशाही की जीत के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने श्वेता भट्ट को सामने किया तो मोदी ने खुद सामने आकर जता दिया कि इस जंग में जज्बात कितनी दूर तक कांग्रेस का साथ देगा। अभी विश्वास नो बीच है, अभी विकास नो बीच है, अभी विजय नो बीच है। इसी के साथ मणिनगर गुजरात के महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया है। बीजेपी श्वेता भट्ट को कांग्रेस से उतारने पर भड़क उठी है। आज कांग्रेस बेनकाब हो गई क्योंकि आज उनकी पत्नी जब कांग्रेस की कैंडिडेट बन गई तो साफ हो गया कि संजीव भट्ट के पीछे कौन ताकत काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को फंसाने के लिए संजीव भट्ट के नाम को जाल की तरह इस्तेमाल कर रही है तो कांग्रेस श्वेता भट्ट की उम्मीदवारी को जज्बात का आईना बता रही है। उन्होंने सही मायने में नजदीकी से देखा है कि किस तरह से जो लोग सच का रास्ता अपनाते हैं गुजरात में उनके साथ किस तरह का व्यवहार प्रशासन और मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। वो तो बहुत उचित कैंडिडेट। आज उसकी पत्नी शुरू से अपने पति के न्याय के लिए लड़ रही थी, अगर आज वो पत्नी उससे बड़ा फोरम एक चाहती है विधानसभा में जाने के लिए और नरेंद्र मोदी को उनके उन कुकृत्यों को एक्सपोज करना चाहती है तो आज उनको अगर टिकट मिल रहा है तो निश्चित तौर से जनता इस बात का जवाब देगी कि गुजरात में कानून का राज्य नहीं था। मणिनगर को अब संवेदना और शख्सियत के बीच से अपने लिए लोकतंत्र के मणि का चुनाव करना है। कांग्रेस ने दांव बहुत सोच समझ कर चला है लेकिन दंगल वही जीतेगा जो वादों और विश्वास के मौसम में दिल जीत ले। मणिनगर से गोपी घांघर और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो मणिनगर से कांग्रेस की तरफ से श्वेता भट्ट ने पर्चा दाखिल किया तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिनगर मोदी की वो मांद है जहां 17 साल से किसी और की दहाड़ सुनाई नहीं देती।
मोदी ने पर्चा दाखिल करने से पहले एक विशाल सभा को संबोधित की और कांग्रेस की राजनीति पर जमकर हमला बोला। यूं तो कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन मोदी इस अशुभ अंक को वार के सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करने उतरे हैं। उन्हें तीसरी बार गुजरात की सत्ता चाहिए। केशुभाई पटेल, गोवर्धन झड़फिया और सुरेश मेहता नाम के तीन दुश्मनों से निपटना है और तीसरी बार मणिनगर से चुनाव में उतरे हैं। मणिनगर के मैदान में नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास बता रहा था कि वो जीत के लिए नहीं, जीत के अंतर के लिए पहुंचे हैं। एक विशाल सभा, समर्थकों का सैलाब और हमलावर आवाज। कांग्रेस में हिम्मत नहीं कि भाई हमारू फलाना पक्ष जोड़े तड़जोड़ थयेलू छे, अमे पर्दा पाछळ गोठवण करेली छे अने अमे अहमद पटेल ने गुजरात ना मुख्यमंत्री बनावानो निर्धार कर्यो छे। ए तमे जाहिर करो ने भाई, आ पर्दा पाछळ शुं खेल मांड्यो छे, करो जाहिर। नरेंद्र मोदी ने अपने पर्चा दाखिले को भी एक बड़े राजनीतिक आयोजन में बदल दिया। उनकी तलखी वैसे भी कांग्रेस में कसमसाहट पैदा करती रही है। कोई मैंने गुजरात हिंदुस्तान नो नौजवान के सुवा कांग्रेस ना पंजा नीचे एनु भविष्य सलामत छे, कोई हिंदुस्तानी माता बहन के क्या कांग्रेस का पंजा नीचे एनु सिंदूर सलामत छे, आ देश को किसान मने के क्या कांग्रेस का पंजा नीचे खेडूतनी आजीविका सलामत छे। नरेंद्र मोदी के लिए मणिनगर सत्ता की मंजिल का सबसे सुविधाजनक पड़ाव है। ये सुविधा उन्हें सूबे की सियासत को साधने का इत्मीनान देती है, इसीलिए मणिनगर से माकूल जगह उन्हें कोई नहीं लगती। अरे गुजरात की 6 करोड़ की जनता ने तीसरू लोचन पण छे, दूरनु जोई सके छे अने तमारा खेल गुजरात की जनता बराबर जाने छे। कांग्रेस ने मणिनगर से मोदी की काट के तौर पर आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट का कांटा फेंका है, लेकिन यह कांटा राजनीति के समंदर में मोदी नाम के व्हेल को फंसा पाएगा या नहीं, इसके लिए वह सिर्फ अपील के भरोसे है। प्लीज हेल्प मी आउट एंड मैं पूरे सभी लोगों को जिसको डेमोक्रेसी पे भरोसा है, हर एक पार्टी, हर एक बंदा, हर एक इंडिविजुअल जिसको भी डेमोक्रेसी पे बंदा है, अरे आई एम सो सॉरी भरोसा है, उन सबको मैं कहना चाहूंगी कि मेरा साथ दे। बीजेपी मोदी को लेकर इतनी इत्मीनान से है कि वो सिर्फ जीत की खबर का इंतजार कर रही है। कि कांग्रेस की हार इस चुनाव में निश्चित है, ये बौखलाहट कांग्रेस की जो है वो साफ नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी ने मणिनगर से पर्चा भर दिया है, अब वो परचम लहराने के लिए यात्रा पर निकले हैं। मणिनगर मोदी की राजनीतिक कलम के लिए उस स्याही की तरह है जिससे वो अपनी सियासत की प्रस्तावना लिखते हैं, गुजरात की सत्ता के शिखर की प्रस्तावना। मणिनगर से गोपी घांघर और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। और अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि संजीव भट्ट अपनी लड़ाई कांग्रेस की शह पर लड़ रहे थे। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई संजीव भट्ट और कांग्रेस में सांठगांठ थी जिसका नतीजा अब दिख रहा है। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती है, डेमोक्रेसी दूर हो जाती है, डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, लोगों की स्वतंत्रता नहीं रहती है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ गुजरात का प्रॉब्लम नहीं है, मणिनगर का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे ख्याल से पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। सो आई एम फाइटिंग अगेंस्ट हिम टू री एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन गुजरात। कांग्रेस श्वेता भट्ट के दर्द में अपने दुर्दिन की दवा ढूंढने निकली है। गुजरात कांग्रेस के लिए ऐसा नासूर बन गया है जिस पर न नौजवानी की कोई दवा असर करती है और न ही तजुर्बे की। पार्टी के पास वैसे भी विकल्प कम थे, इसलिए श्वेता भट्ट जरूरी भी थी और मजबूरी भी। जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बर्दाश्त किया है अत्याचार, जोर जबरदस्ती, इमोशनल ब्लैकमेल, तो वो तो बहुत सक्षम कैंडिडेट साबित होंगे। उन्होंने कांग्रेस दिलदारी का दावा कर रही है, लेकिन संजीव भट्ट को सताया साबित करना उसकी राजनीति की कामयाबी का रॉकेट बन जाए ये जरूरी नहीं। बीजेपी के आरोप अपनी जगह कायम है। कांग्रेस इन ऑफिसरों को
उपयोग करते हुए गुजरात में एंटी गवर्नमेंट जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें आज पूरा पर्दाफाश हो गया है कि आज उनकी पत्नी कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर वो प्रजा के सामने आ रही है। दूसरी बात, कांग्रेस को भी कोई नेता नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का लोकल अहमदाबाद का कोई नेता नरेंद्र भाई के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आज कोई तैयार नहीं हुआ है, इसलिए करना पड़ा है। आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो कांग्रेस ने उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और अब संजीव भट्ट की पत्नी मोदी के खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। जाहिर है यहाँ राजनीति हो रही है और साफ ये भी है कि मोदी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। अब सवाल बहुत साफ है, क्या कांग्रेस संजीव भट्ट के साथ थी? क्या संजीव भट्ट और कांग्रेस में कोई साठ गांठ थी? क्या संजीव भट्ट ने कांग्रेस के इशारे पर काम किया? और क्या टिकट संजीव भट्ट की वफादारी का इनाम है? इन सीधे सवालों का सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन बीजेपी की राजनीति के पुराने साझेदार दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस ढंग से उनके पति वहां लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है वो अच्छी बात नहीं, तो हमको लगता है कि उसी का पॉलिटिकल एडवांटेज मिलने के लिए उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया। श्वेता के जरिए कांग्रेस पुलिसिया पेंच को पॉलिटिक्स में कसना चाहती है, लेकिन समाजवादी राजनीति के एक दिग्गज नेता का कहना है कि एक कील से कांग्रेस पूरे गुजरात के कांटे निकालेगी कैसे? अब कांग्रेस एक मोदी को हरा भी दे तो क्या सूबे भर का चुनाव जीत है? तो उसको अपने सूबे के संगठन पर ध्यान देना। इसी तरह उधार लोगों को लेकर के कांग्रेस जीत नहीं सकती। कांग्रेस फिलहाल इस सवाल से कतरा रही है, वो उम्मीदों के नाव के सहारे भरोसे का भवसागर पार उतरने का सपना पाले बैठी है। मणिनगर से गोपी घांगर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 3 साल में 3 गुना अमीर हो गए हैं। जी हां, मोदी ने जो चुनाव के लिए संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी की संपत्ति 5 साल में करीब 3 गुना यानी 1,33,00,000 हो गई है। 2007 में मोदी की कुल संपत्ति महज 40 लाख के आसपास थी।